स्टूडेंट, टुडे वी लर्न आवर न्यू चैप्टर मनी। तो आप सबको पता है हमारी करेंसी क्या है इंडिया में मनी, जैसे कि अमेरिका में डॉलर है, इंडिया में मनी है, ऐसे लंदन में पाउंड है। तो ऐसे अलग अलग देशों में जैसे हम मनी बोलते हैं, वहाँ $1 $2 अमेरिका में ऐसे बोलते हैं, राइट। तो मनी तो आप सबको पता है, कॉइन्स करंटली इज यूज इन इंडिया। ओके, कॉइन्स है वो भी सर्टेनली, कभी कभी सर्टेनली कॉइन्स का भी यूज़ होता है। कब कॉइन्स का यूज़ होता है कि 20 अप यानी कि 21 हो, 41 हो, 52 हो, 72 हो, 73 हो, ऐसे अब रुपीस के ऊपर आए तब हम पैसे का ये कॉइन्स है उसका यूज़ करते हैं। तो ये देखो 50, 50 इसे क्या बोलेंगे, 50 पैसे। तो ये जो पहला है वो ऊपर लिखा है, देखो 50 पैसे क्या लिखा है, 50 पैसे। तो उसका फ्रंट एंड आगे और पीछे का भाग देखो, ये है पीछे का भाग और ये है आगे का भाग। ओके, तो ये है, यहाँ नीचे आप लिखना 50 पैसे, क्या लिखोगे, 50 पैसे। अब ये जो कॉइन है वो 1 रुपीस का कॉइन है, ये पैसे है, 250 पैसे एक साथ करो तब 1 रुपीस होता है। ओके, अभी नहीं यार, पहले हम जब छोटे थे तब 25 पैसे, 10 पैसे, ओके, इसे आता था 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, ये भी पैसे आते थे, लेकिन अब उसका चलन नहीं है, वो अब नहीं है, अब सिर्फ 50 पैसे आता है। तो 50 पैसे हो तब क्या होता है, 1 रुपीस, क्या होता है, 1 रुपीस। पैसे की साइन ये है, पैसे पीछे लिख सकते हैं, और रुपीस की साइन ये है, रुपीस लिखना हो के रुपीस 20 तो ये से लिखना कंपलसरी होता है। ओके, तो ये 1 रुपीस है तो रुपीस आगे लिखना होता है कि रुपीस 1। ओके, तो ये आगे और पीछे का भाग आपको बताया है। अब ये है रुपीस 2, कैसे लिखते हैं इसे, रुपीस 2। तो 1 रुपीस के 2 कॉइन आप करो तो 2 रुपीस होता है। ओके, और 2 रुपीस का कॉइन भी होता है। ओके, नेक्स्ट है 5 रुपीस, तो 5 रुपीस का कॉइन है। ओके, तो रुपीस 5 कैसे लिख सकते हैं, रुपीस 5, तो 2 रुपीस की नोट भी होती है और 5 रुपीस की नोट भी होती है और कॉइन भी होते हैं, और 1 रुपीस है उसकी भी नोट्स भी होती है और कॉइन भी होता है। ओके, तो यहाँ पिक्चर दिया है, आप देख सकते हो कि ये जो बेबी है वो पैसे लेके आई है और वो यहाँ से बनाना है, ऐसे फ्रूट्स, मैंगो है, बनाना है, वो फ्रूट्स खरीदती है और ये भैया है उसको ये पैसे देती है। ओके, तो आपको समझ में आया, 50 पैसे पहले है, यहाँ लिखना है 50 पैसे, पीछे लिखना है क्योंकि पैसे की साइन पीछे होती है, रुपीज़ की साइन आगे होती है, रुपीज़ 1, ये रुपीज़ 2 एंड रुपीज़ 5, आया समझ में। अब नेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हो नोट्स करंटली यूज इन अवर करेंसी, तो हमारी करेंसी में ये नोट्स का यूज होती है। पहली है लिखा है इधर 5, तो ये है रुपीज़ 5 की नोट्स, कितनी है तो इसे क्या बोलेंगे, रुपीज़ 5। अब ये है, इस बीच में लिखा है 10, देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, रुपीज़ 10, बाजू में आप लिखते जाओ। ये है 20 रुपीज़ की नोट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रुपीज़ 20। ओके, और ये है 50 रुपीज़ की नोट, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 50। और ये है 100 रुपीज़ की नोट, तो यहाँ क्या लिखोगे, रुपीज़ 100। ओके, तो 5, 10, 20, 50 and 100 रुपीज़ की नोट्स आपको यहाँ बताई है। नेक्स्ट है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। ओके, आपको अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन करना है। तो 1 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ का कॉइन यहाँ ऊपर आपको बताया है, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ दोनों का यूज करके आपको बनाना है। तो ऊपर आप देख सकते हो दोनों को कॉइन, आप देखो कितने कितने का कॉइन है, एक है 1 रुपीज़ का और एक 2 रुपीज़ का, तो ये दोनों यूज़ करके आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। तो रुपीज़ 1, ओके, तो रुपीज़ 1 ऐसे ही होता है, 50 पैसे हो दिया होता है इधर, तो 250 पैसे ऐसे हम कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन इधर 1 रुपीज़ तो रुपीज़ 1। तो आपको यहाँ पेंसिल से यहाँ बॉक्स में ड्रॉ करना है कि रुपीज़ 1। ओके, अब नेक्स्ट है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ है
वो एक रुपीज टू का कॉइन भी होता है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। दूसरा है रुपीज वन 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 रुपीज टू टाइम्स आप करो तब क्या होता है 2 रुपीज कॉइन। ओके नेक्स्ट है 3 रुपीज, तो एक है 1 1 रुपीज के 3 कॉइन आप करो तो 3 रुपीज हुए 1 1 रुपीज के 3 कॉइन। ओके नेक्स्ट है 3 रुपीज दूसरी तरीके से कैसे, तो रुपीज टू एंड रुपीज वन, तो 2 तरीके से हम 3 रुपीज का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 रुपीज, तो 4 रुपीज कैसे कर सकते हैं, तो 1 1 रुपीज के 2 कॉइन। देखो रुपीज वन ऐसे 4 कॉइन्स करो रुपीज वन। ओके तो 4 रुपीज हुए। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 2 रुपीज के 2 कॉइन करो, 2 2 रुपीज के 2 कॉइन करो तो 4 रुपीज हो गई है। तीसरा तरीका है कि 1 रुपीज 2 का कॉइन और 2 रुपीज 1 का कॉइन। ओके तो 1 2 3 4, 2 2 4 एंड 2 1 3, 3 1 4, तो 4 रुपीज ये हो गई। अब नेक्स्ट है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज के 4 तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक है रुपीज वन ऐसे 5 टाइम्स 1 1 रुपीज के 5 कॉइन। ओके तो 5 रुपीज हो गई है। नेक्स्ट है 2 2 रुपीज के 2 कॉइन, ओके और 1 रुपीज का 1 कॉइन। नेक्स्ट है 1 5 रुपीज का कॉइन और 4th नंबर का है रुपीज 2 1 टाइम एंड 3 टाइम्स 1 1 रुपीज के कॉइन्स, रुपीज वन एंड रुपीज वन, 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 रुपीज, तो 6 रुपीज का हम 5 तरीके से कर सकते हैं। देखो एक है 1 1 रुपीज के कॉइन 6 टाइम्स, कितने टाइम्स, 6 6 6 रुपीज ऐसे 1 1 टाइम 4 5 एंड 6 टाइम रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है रुपीज टू के 3 कॉइन्स, रुपीज टू एंड रुपीज टू, तो 6 रुपीज हो गई है। नेक्स्ट है 1 रुपीज 5 एंड 1 रुपीज 1, तो 6 रुपीज हो गई है, ये 3 कॉम्बिनेशन हुआ। नेक्स्ट है 2 रुपीज का 2 कॉइन और 1 1 रुपीज के 2 कॉइन। ओके 2 4 5 एंड 6 एंड नेक्स्ट है 1 2 रुपीज का 1 कॉइन एंड 1 1 रुपीज के 5 कॉइन। ओके 2 सॉरी 4 कॉइन्स हो गए, तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इधर कुछ चीज़ें दी है, आपको गेस करना है कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है। ये बैट है, तो बैट है वो 20 रुपीज़ का है। ओके ये खेलने का टॉयज का है इसलिए 20 रुपीज़, रियल बैट है वो 20 रुपीज़ का नहीं आता, राइट। तो ये पेंट है, तो अबाउट पेंट है वो कितने रुपीज़ का आएगा, तो अबाउट 150। ओके रुपीज़ 150। ये बुक है, तो बुक है वो अबाउट ये कोई डायरी जैसा लग रहा है, तो अबाउट 40 रुपीज़। ओके नेक्स्ट है ये जो ब्रूम है ओके क्लीन करने का, तो ये अबाउट 25 रुपीज़। और ये क्रेयन कलर है, तो क्रेयन कलर रुपीज़ 10 रुपीज़। ओके नेक्स्ट है ये वॉच है, तो वॉच है वो अबाउट 50 रुपीज़ एंड काइट है तो रुपीज़ 5। तो ऐसे आपको गेस करना है कि इतना पैसे का ये हो सकता है। तो आगे जो प्रैक्टिस है हम वर्कबुक में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मनी हम वर्कबुक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक यू।